हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू बैंक एग्जाम माई नेम इज रमनदीप सिंह सो स्टूडेंट्स एल आई सी ए ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री का नोटिफिकेशन जो है आ चुका है एंड टूडे आई एम गोइंग टू डिस्कस वट यू शुड स्टडी अपनी प्रिपरेशन अगर आप स्टार्ट कर रहे हो तो वॉट यू शुड स्टडी एंड बिफोर स्टार्टिंग यू शुड नो दिलेबस आपको सिलेबस पता होना चाहिए देर इज अ लॉट ऑफ कन्फ्यूजन कि एग्जैक्टली सिलेबस क्या है ऑफिशियल सिलेबस इज नॉट अवेलेबल इफ़ यू लुक एट द एग्जाम पैटर्न देयर इज रीजनिंग इंग्लिश एंड क्वांट व्हिच इज़ अ स्टैंडर्ड काफ़ी स्टैंडर्ड से सब्जेक्ट है इंग्लिश के मार्क्स नहीं जोड़ेंगे फाइनल uh, जो कट ऑफ कैलकुलेट करने के लिए ये क्वालिफाइंग नेचर में है एंड देन प्रिलिमिनरी की कट ऑफ ऑलरेडी गिवन है रीजनिंग क्वांट की एटीन एटीन कट ऑफ गिवन है जनरल के लिए एंड इंग्लिश लैंग्वेज की 10 मार्क्स जो है गिवन है

वी आर गोइंग टू डिस्कस द सलेबस पूरा आपको सिलेबस एक बार पता होना चाहिए कट ऑफ के मार्क्स ऑलरेडी दिए हुए हैं आउट ऑफ नाइन्टी रीजनिंग और क्वांट जो डेटा एनासिसिस डेटा इंटरप्रिटेशन के आउट ऑफ नाइन्टी फोर्टी फाइव फोर्टी फाइव है जनरल नॉलेज करंट अफेयर्स एंड इंश्योरेंस एंड फाइनेंशियल मार्केट अवेयरनेस के थर्टी थर्टी है एंड देन आउट ऑफ ट्वेंटी फाइव जो डिस्क्रिप्टिव पेपर है जिसमें आपको लेटर लिखनी है ऐसे लिखना है आपको ट्वेंटी फाइव में से 10 मार्क लेने ही लेने हैं आउट ऑफ 25 आपको 10 मार्क लेने हैं 30 मिनट में आपको आंसर करना पड़ेगा लेटर और आ, आ, आपको ऐसे। अगर कभी टाइप नहीं किया है एक ऐसे को आपने कंप्यूटर स्क्रीन पे देन दिक्कत हो सकती है आपको प्रैक्टिस करनी बहुत 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 जरूरी है सो so एग्जैक्टली exactly पढ़ना क्या है फॉर क्वान्टिटेटिव एप्टीट्यूड सी स्टूडेंट जो प्री और मेंस का सिलेबस है ज़्यादा डिफरेंस नहीं है मेंस में डेटा इंटरप्रिटेशन ज़्यादा आ जाता है ठीक है डिफिकल्टी लेवल में थोड़ा सा डिफरेंस होगा ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है डेटा इंटरप्रिटेशन नंबर सीरीज डेटा सफिशिएंसी पार्टनरशिप टाइम एंड वर्क टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस परसेंटेज सिंप्लीफिकेशन रेशियो सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट एलिगेशन एंड मैंशन यहाँ पे अप्रॉक्सीमेशन नहीं है प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन ट्रेन वाला जो टॉपिक है वो भी आ, आप टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस में ही आ जाता है वैसे तो ज्योमेट्री इज़ नॉट पार्ट ऑफ द सिलेबस ट्रिग्नोमेट्री इज नॉट पार्ट ऑफ द सिलेबस इस चीज़ को आप ध्यान में रखें बहुत सारे स्टूडेंट्स ध्यान में नहीं रखते लेकिन आप ध्यान में रखें एंड देन मूविंग ऑन टू द रीजनिंग एबिलिटी सेक्शन प्री और मेन्स के सिलेबस में इतना डिफरेंस नहीं है मेन्स में थोड़े से आई वुड से कि सेटिंग अरेंजमेंट ज़्यादा जाते हैं पजल्स एंड सेटिंग अरेंजमेंट एंड देन देर इज स्टेटमेंट एंड एज्शन इसको बड़ी जल्दी जल्दी सॉल्व कर सकते हैं अगर आपका होल्ड बन जाए इस चैप्टर में लॉजिकल रीजनिंग वाले चैप्टर में बहुत जल्दी आप मार्क्स को ग्रैब कर सकते हो आपका कट ऑफ क्लियर करने में बहुत हेल्प करते हैं ऐसे टॉपिक्स स्टेटमेंट एजाम्पन्सलॉजिजम इनइक्वैलिटीज कोडेड इनईक्वैलिटीज ऐसे टॉपिक्स आपको बहुत हेल्प करते हैं मशीन इनपुट आउटपुट ब्लड रिलेशंस डायरेक्शन सेंस टेस्ट अल्फा अल्फानोमैरिक सीरीज़ ये क्वेश्चंस आप जल्दी जल्दी सॉल्व कर पाते हो और इनमें एक्यूरेसी बहुत हाई रहती है जबकि टॉपिक्स जैसे कि सिटिंग अरेंजमेंट वो भी हो सा, हो जाते हैं अगर आपकी प्रैक्टिस नहीं है तो पज़ल में कई बार दिक्कत आ जाती है कि एक डिफ़िकल्ट पज़ल आ गया एंड यू आर नॉट एबल टू सॉल्व इट समटाइम्स ठीक है और यू टेक अ लॉर्ड ऑफ टाइम बहुत टाइम लग गया फिर भी कोई मार्क हाथ में आया नहीं ये बहुत कॉमन है रीजनिंग में तो ये छोटे टॉपिक्स बिल्कुल ना छोड़ें प्रैक्टिस इज द की जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे मॉक टेस्ट लगाएंगे जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे योर स्कोर्स वुड इम्प्रूव फॉर श्योर गेम चेंजेस आर जनरल नॉलेज एंड जो इंश्योरेंस वाला टॉपिक है फाइनेंशियल अवेयरनेस वाला टॉपिक है जो सब्जेक्ट है दैट इज अ गेम चेंजर करंट अफेयर्स लास्ट सिक्स मंथ्स का मैं रिकमेंड करूंगा लास्ट थ्री मंथ्स का वेटेज ज्यादा है वैसे करना सिक्स मंथ्स का है लेकिन थ्री मंथ्स का वेटेज ज़्यादा है डैम्स पावर प्लांट नेशनल पार्क्स एनी थिंग दैट इज इन द न्यूज़ वो बहुत इंपॉर्टेंट है लेकिन डैम्स पावर प्लांट नेशनल पार्क ऑर्गेनाइजेशन देयर हैड क्वार्टर्स बुक्स एंड ऑथर्स कैबिनेट मिनिस्टर्स एंड देर कॉन्स्टिट्यूएंसीज सीएम एंड गवर्नर्स इन इंडिया कंट्रीज दर कैपिटल्स करेंसीज फेमस वाटरफॉल्स रिवर्स ब्रिजेस हिल्स ट्राइब्स माउंटेन पीक्स वील प्रोवाइड द कंप्लीट स्टडी मटीरियल डोंट वरी बिल्कुल चिंता ना करें स्टेडियम्स म्यूजियम्स गेम्स पॉपुलर गेम्स या गेम्स में अभी फ़ीफा हुआ था हु इज़ द विनर हु इज़ द रनर अप राइट हु वन द गोल्डन बूट अवार्ड राइट समिट्स एंड कॉन्फ्रेंसेस डेट्स एंड डेज गोल्डन बूट जो मिला था uh, बापे राइट right? बापे कहते हैं शायद आई मीन दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंग्लिश लैंग्वेज में रीडिंग क्लोज टेस्ट टेरर स्पॉटिंग डबल फिलर्स सेंटेंस रीअरेंजमेंट वोकेबलरी बेस्ड क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट और सी की अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो दिक्कत आएगी क्वेश्चन अटैम्प्ट करने में राइट नाओ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट वाई आई गेस यू आर हेयर इज द इंश्योरेंस एंड फाइनेंशियल मार्केट अवेयरनेस इंश्योरेंस में यू स्टार्ट विद द हिस्ट्री टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस राइट प्रिंसिपल्स ऑफ इंश्योरेंस वाला कॉन्सेप्ट वेरी इंपॉर्टेंट एक दो क्वेश्चन आ ही जाते हैं गवर्नमेंट स्कीम्स रिलेटेड टू इंश्योरेंस अगेन वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट गवर्नमेंट की कुछ स्कीम्स हैं रिलेटेड टू इंश्योरेंस एंड बैंकिंग बहुत इंपॉर्टेंट है लीगल प्रिंसिपल्स ऑफ एन इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट आई की पावर्स एंड द फंक्शंस एल की हिस्ट्री ग्रेविंस रिड्रेसल मकैनिजम इज़ रियली इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंटेशन क्लेम प्रोसीजर्स इंश्योरेंस की टर्म्स अंडर राइटिंग टेंट प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनीशियल फाइनेंशियल बैंकिंग अवेयरनेस अब लास्ट सिक्स मंथस का आप कर लें ज्यादा बेटर है लेकिन थ्री मंथ का भी कर लेंगे देन देर इज नो इश्यू ओके डरेवेटिव कॉन्ट्रैक्ट स्टॉक एक्सचेंजेस म्यूचुअल फंड से रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट जो टर्म्स हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डिपॉजिटरीज रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया आर बी आई से भी आई या डी आई के इंपॉर्टेंट सर्कुलर्स बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से लास्ट सिक्स मंथ्स के आर बी आई सर्कुलर भी अगॉर्ग टू टीच इंटरनेशनल फाइनेंशियल ऑर्गनाइजेशन बेसिकली कौन सी रिपोर्ट्स निकालते हैं ये रिपोर्ट्स आर रियली रियली इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स हैं कमेटीज़ हैं बहुत इंपॉर्टेंट हैं गवर्नमेंट स्कीम्स रिलेटेड टू फाइनेंशियल मार्केट एंड रेगुल इंश्योरेंस स्कीम्स टैक्स प्रोविजनस बहुत इंपॉर्टेंट हैं मनी मार्केट एंड कैपिटल मार्केट फाइनेंशियल मार्केट के वेरियस रिस्क हैं म्यूचुअल फ़ंड्स आर इम्पॉर्टेंट म्यूचुअल फ़ंड्स इट्स एन इम्पॉर्टेंट टॉपिक डेरेवेटि डिटेल में करवाएंगे हम यूनियन बजट इज़ एन इम्पॉर्टेंट अभी आएगा यूनियन बजट इसमें दो तीन क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे ही आएंगे आई एम एफ प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर इंश्योरेंस कंपनीज़ मैं बता चुका हूँ न्यूज़ रिलेटेड टू फाइनेंशियल मार्केट्स काफ़ी वाइड कॉन्सेप्ट हो गया थ्री टू फोर मंथ्स का हम करेंगे जो फाइनेंशियल मार्केट का न्यूज़ है सारा कम से कम थ्री टू फोर मंथ्स का वराइटी ऑफ टॉपिक्स वुड बी देयर इन द फाइनेंशियल मार्केट बैंकिंग से रिलेटेड कोई भी न्यूज़ है इंश्योरेंस कंपनी से रिलेटेड कोई भी न्यूज़ है कोई भी रेगुलेशन है कोई एन से रिलेटेड गाइडलाइन है वी आर गोइंग टू कवर दैट कोई म्यूचुअल फंड से रिलेटेड गाइडलाइन है कोई सेबी का गाइडलाइन है आर का गाइडलाइन है ये सारे का सारा हम कवर करने वाले हैं प्लस जो टॉपिक यहाँ पे नहीं मैंशनड है वो है फाइनेंशियल मैनेजमेंट एफ में टॉपिक्स हैं जैसे रेशियो एनालिसिस। पेपर में आया हुआ है रेशियो एनालिसिस कॉस्ट ऑफ कैपिटल कॉस्ट ऑफ कैपिटल फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस एफ उसके बाद आप कर लीजिए कैश फ्लो स्टेटमेंट फंड फ्लो स्टेटमेंट कैश फ्लो स्टेटमेंट ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं पिछले सालों में एग्जाम्स में आए हैं और ये क्वेश्चंस जो हैं रिलेटिवली इजी आते हैं आपको आपकी सिर्फ इतनी नॉलेज चेक करी जाती है कि आपको पता है दैट सॉल कोई डेप्थ में क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं जैसे कि क्वांट में कई बार रीजनिंग में बहुत कई बार पूछ लिए जाते हैं सो काफ़ी इजी क्वेश्चंस यहाँ पे आते हैं एंड वी गोइंग टू टीच यू डोंट वरी एंड हाउ वी गोना टीच यू इन आर कॉस्ट सो इंग्लिश में लेटर राइटिंग एंड एस ए राइटिंग वी आर गोइंग टू प्रोवाइड यू द सैम्पल एसेस एंड वी आर गोइंग टू इवेलुएट यर एसेज योर लेटर्स बिकॉज आउट आप इतनी मेहनत कर लो और आप टेन मार्क भी ना ले पाओ ट्वेंटी फाइव में से देन एवरीथिंग वुड बी वेस्टेड आप डिसीफाई हो जाओगे दैट इज रियली इंपॉर्टेंट कि आप कम से कम दस मार्क तो लो क्वालिफाई तो करो आपको एक बेसिक एसे तो लिखना आए आपको एक बेसिक लेटर तो लिखना आनी चाहिए ना उसके बिना नई बात बनेगी ठीक है सो स्टडी मटेरियल में स्टूडेंट्स एल आई सी ए का क्रैश कोर्स वी आर डूइंग ऑन बैंक एग्जाम डॉट कॉम वीर वी आर प्रोवाइडिंग कंप्लीट कवरेज ऑफ द सिलेबस विद द हेल्प ऑफ वीडियो क्लासेस, द नोट्स द टेस्ट सीरीज विद द हेल्प ऑफ लाइव सेशनस क्विजेज कल से ही वी है द सेशन ऑन बैंक एग्जामॉ कॉम एंड वी है गोइन टू प्रोवाइड अ लॉट ऑफ फ्री कॉन्टेंट ऑन यूट्यूब यूट्यूब पे बहुत अच्छा कॉन्टेंट प्रोवाइड करेंगे बैंक एग्जाम फूडे पे इसका काफी अच्छा कॉन्टेंट हम शेयर करने वाले हैं दिस इज माई व्हाट्सएप नंबर वेयर यू कैन आस्क योर डाउट्स एनी टाइम कभी भी आप डाउट्स पूछिए लिस्ट ऑफ आर सक्सेसफुल स्टूडेंट्स इन द प्रीवियस एग्जाम्स ये हमारे स्टूडेंट्स हैं पिछले एग्जाम्स में हु क्रैक द रिस्पेक्टिव एग्जाम्स आई एम रियली रियली हैप्पी फॉर दैम फॉर ऑल ऑफ दम ऑल दिस टूका कॉर्सेज इन द पास्ट एंड दे क्रैक द रिस्पेक्टिव एग्जाम आई एम रियली रियली हैप्पी फॉर दैम ओके एंड दैट्स आई गेस ऑल फॉर टुडे स्टूडेंट्स अगर आपके माइंड में कोई भी डाउट है कुछ भी पूछना है आपको आप डायरेक्टली व्हाट्सएप कर सकते हो इस नंबर पर नाइन जीरो सिक्स सेवन टू जीरो वन ट्रिपल जीरो दिस इज़ माई पर्सनल व्हाट्सएप नंबर वेर यू कैन आस यर डाउट्स एंड आम गोइंग टू आंसर योर डाउट्स एंड दैट्स एक्चुअली ऑल फॉर टुडे स्टूडेंट्स सब्सक्राइब द चैनल एंड लाइक दिस वीडियो दैट्स रियली रियली इंपॉर्टेंट फॉर मी थैंक यू